हेलो, मेरा नाम हुजैफा मैकपुर वाला है। कैसे हो आप सब लोग? इस वीडियो में अपन ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं क्लास 10th ICSE की। ये वीडियो चैप्टर 2 की लास्ट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 18 से 23 तक उसके सारे सॉल्यूशंस देखने वाले हो। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की पिछली वीडियोज़ देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोज़ की लिंक मिल जाएगी। इसके चैप्टर 1 की भी वीडियोज़, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, उसकी भी आपको लिंक मिल जाएगी। आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो कमेंट में डाल दो, या फिर चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हो। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो अगर आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो टाइमलाइन डाल दी है। तो सपोज करो, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन देखना है और क्वेश्चन नंबर 19 शुरू हो रहा है 22 मिनट पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वीडियो को आगे बढ़ानी पड़ेगी। उसमें हो सकता है कि थोड़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाए या थोड़ी पीछे हो जाए। टाइमलाइन से होगा कि क्वेश्चन नंबर 19 के सामने उसका टाइम दिया हुआ है, जैसे ही आप उसके टाइम पे क्लिक करोगे तो वीडियो सीधा उस पार्ट पे आ जाएगी। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, फ्रॉम द विंडो ए 10 मीटर अबाउट द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप सी ऑफ द टावर इज एक्स डिग्री। ठीक है, तो एक विंडो है आपकी 10 मीटर, सॉरी विंडो है ए जिसकी हाइट ग्राउंड से है 10 मीटर, ए बी की लेंथ है 10 मीटर, और फिर उसके आगे देख रहा है आपको द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप सी ऑफ ए टावर इज एक्स डिग्री। आपके पास एक टावर भी है, उसका टॉप है सी, तो इस विंडो से इसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है एक्स डिग्रीज। आगे बढ़ते हैं, वह 10x डिग्री इक्वल्स 5/2। 10x डिग्री की वैल्यू देखी है 5/2। उसके आगे एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट डी ऑफ द टावर इज वाई डिग्री। हाँ, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन डी का ये है वाई डिग्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, वेर वेर 10y डिग्री इक्वल्स 1/4। 10y डिग्री की वैल्यू 1/4। हाँ, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर सी डी और नियरेस्ट मीटर तक कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सी डी की वैल्यू नियरेस्ट मीटर तक कैलकुलेट करनी है। चलो, तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, क्वेश्चन 17 से तो बहुत ज़्यादा इजी है। क्या करें इसमें? तो पहले देखो आप कि सी डी की लेंथ निकालनी है। सी डी अपना दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सी एम और एम डी। आपको दोनों की वैल्यूज इंडिविजुअली निकालनी पड़ेगी। कैसे वो निकालेंगे? पहले अपन एक वैल्यू तो आपको दे ही रखी है, कौन सी? एम डी की वैल्यू दे रखी है। एम डी जो है वो आपका ए बी के इक्वल है, फिगर से सीधा सीधा दिख रहा है, ये 10 मीटर है। ठीक है, सिर्फ आपको कैलकुलेट करनी है सी एम। सी एम कैसे कैलकुलेट करें? इस वाले ट्राइंगल में ए सी एम में आपको 10x डिग्री दे रखा है, उसके अलावा कुछ नहीं दे रखा। तो पहले आपको ए एम की वैल्यू यहाँ पे चाहिए 10 वाला लगाने के लिए, तब अपन जाके परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए एम की वैल्यू, अब ए एम बी डी के इक्वल है, तो पहले बी डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ट्राइंगल ए बी डी से। ट्राइंगल ए बी डी में जैसा कि आपको मालूम ही है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल्स एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये जो एंगल था एंगल एम बी डी, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन था, एंगल ऑफ एलिवेशन ए डी बी के इक्वल हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे वाई डिग्री। तो इस वाले ट्राइंगल ए बी डी में अगर मैं लूँ एंगल 10 एंगल ए डी बी, ये आपका होगा परपेंडिकुलर सामने वाली साइड ए बी अपॉन बेस बी डी। 10 एंगल ए डी बी ये होगा 10 वाई डिग्री। ए बी की लेंथ है 10 अपॉन बी डी। 10 वाई डिग्री की लेंथ क्वेश्चन में दी रखी है 1/4, यहाँ आ गया 1/4 equals 10 upon BD। BD की लेंथ यहाँ से आ जाएगी, BD equals 4 को दूसरी साइड शिफ्ट करो, 10 times 4, BD को इस साइड है तो 1 times BD BD ही होगा। BD की लेंथ 10 times 4 आपकी होगी 40 मीटर। BD आ गई तो AM की लेंथ भी आ गई, दोनों इक्वल ही हैं। अब अपन CM की लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम ट्राइंगल CMA। अब ट्राइंगल CMA तो 10 एंगल CAM इक्वल्स परपेंडिकुलर आपकी होगी CM और बेस है AM। एंगल CAM ये x डिग्री दे रखा है,
टेन एक्स डिग्री इक्वल्स ई एम की वैल्यू फाइंड करनी है, ई एम है 40, टेन एक्स डिग्री 5/2 इक्वल्स सी एम अपॉन 40। चलो 40 को दूसरी साइड शिफ्ट करो तो 5/2 टाइम्स 40 इक्वल सी एम, सी एम की आपकी लेंथ आएगी 2 से, ये 4 लिख दिया मैंने, 40 कर डाला इसको, तो 2 से 40 कैंसिल हुआ 20 टाइम्स 5 100 मीटर। सी एम की लेंथ आ गई, एम डी की लेंथ तो है ही, टावर की हाइट फाइंड कर सकते हैं सी डी की, कैसे, सी डी इक्वल्स दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था तो उनको ऐड कर दो, सी एम प्लस एम डी, तो सी डी इक्वल सी एम की जगह आ गया 100, एम डी की जगह आ गया 10, तो सी डी आएगा आपका 110 मीटर। टावर की लेंथ यहाँ आ गई 110 मीटर। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ सॉल्व, एक ही पार्ट इसका, लिख लो इतना फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल 200 मीटर, ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन चल रहा है वैसे वैसे डायग्राम बनाएंगे अपन। तो एक हिल है जिसकी हाइट है 200 मीटर, उसके बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ पिलर आर 45 डिग्री एंड 59 डिग्री 36 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। एक पिलर भी है आपके पास और क्वेश्चन में दे रखा है कि हिल के टॉप से पिलर के टॉप का और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। टॉप का है 45 डिग्री, ठीक है, और बॉटम का है 59 डिग्री 36 मिनट। इतना आपको क्वेश्चन में दिया है, अब आगे बढ़ते हैं। तो फाइंड करना है आपको हाइट ऑफ द पिलर एंड डिस्टेंस ऑफ द हिल, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द हिल, पिलर और हिल की डिस्टेंस भी फाइंड करनी है ये वाली लेंथ, ठीक है, और आपको हाइट भी फाइंड करनी है। तो फिगर को नाम दे देते हैं ए बी सी डी। यहाँ से एक और परपेंडिकुलर लाइन खींचने वाला हूँ मैं, यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ एम। स्टार्ट करते हैं, तो डिस्टेंस फ्रॉम द हिल तो आप इजीली निकाल सकते हो, सी डी आपको फाइंड करनी है, इस वाले पॉइंट को भी नाम दे दो आप एम। स्टार्ट करते हैं बड़े वाले ट्राइंगल से, ट्राइंगल बी सी डी। ट्राइंगल बी सी डी में एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होगा, ये वाला जो था इसके इक्वल हो जाएगा 59 डिग्री 36 मिनट, ये हो जाएगा 59 डिग्री 36 मिनट। यहाँ से आपके पास आ गया कि एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल बी डी सी के, दोनों 59 डिग्री 36 मिनट्स के इक्वल। तो आप सिंपली 10 लगाओ आपकी सी डी की लेंथ आ जाएगी। अब लगाने वाले अपन 10 एंगल बी डी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल, बी सी अपॉन सी डी के इक्वल, तो एंगल बी डी सी की जगह आ जाएगा 59 डिग्री 36 मिनट, 10 59 डिग्री 36 मिनट। बी सी तो है ही आपके पास, है ही की टोटल लेंथ, पूरी लेंथ है 200 मीटर अपॉन सी डी। 10 59 डिग्री 36 मिनट की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, आप भी जाओ पीछे टेबल से देख लो, ये है 1.7 इक्वल्स 200 अपॉन सी डी। सी डी को दूसरी साइड शिफ्ट करो तो आपकी सी डी की लेंथ आएगी 200 अपॉन 1.7। इसको कैलकुलेट करो आप तो आपका आंसर आएगा 117.64। चलो तो अभी तक एक पार्ट तो अपना सॉल्व हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम द हिल तो आ गई अपनी 117.64। अब आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द पिलर एंड डी। स्टार्ट करते हैं, तो ये रेक्टेंगल बन गया है एम सी डी एन, इस हिसाब से आपकी 117.64 mn भी हो जाएगी, सी डी इक्वल टू mn है, दोनों की लेंथ 117.64 हो गई। यहाँ पे वापस एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो एंगल ए बी एन इक्वल्स एंगल एम एन बी, दोनों 45 डिग्री के इक्वल। वापस इस वाले में 10 लगाएंगे तो निकलेगा क्या अपना, बी एम की वैल्यू निकल जाएगी, बी एम निकलेगी तो अपन एम सी डी इजीली निकाल सकते हैं, और एम सी एन डी के इक्वल है, फिगर से दिख ही रहा है आपको, तो 10 एंगल बी एन एम ये आपका होगा परपेंडिकुलर बी एम अपॉन बेस एम एन के।
चलो आगे इस साइड करते हैं, टेन एंगल बी एन एम ये है 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री इक्वल्स बी एम फाइंड करनी है, एम एन की लेंथ है 117.64, 10 45 डिग्री तो होता ही वन है, वन इज इक्वल टू बी एम अपॉन 117.64, 117.64 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो 1 times 117.64 117.64 ही रहेगा, BM की लेंथ आ गई आपकी 117.64 मीटर्स। अब आप MC की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो, टोटल आपकी लेंथ है हिल की 200 मीटर, तो 117.64 ये BM की लेंथ प्लस MC इक्वल्स 200, MC आपका आ जाएगा 200 माइनस 117.64, इसको सब्ट्रैक्ट करो आप, MC आपका आ जाएगा, MC क्या रहेगा आपका, ये कुछ होगा 36, 200 माइनस 117 इक्वल होता है 62, 63 के इक्वल होता है, लेकिन एक कैरी जाएगा तो आपका दूसरेगा 62.36, और MC आपकी ND के इक्वल है, हाइट ऑफ द पिलर। तो यहाँ पे दोनों पार्ट सॉल्व हो गए, हाइट ऑफ द पिलर आपकी आ गई 62.36 मीटर्स, डिस्टेंस फ्रॉम द पिलर आ गई 117.64 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व, लिख लो इतना फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है ए बर्ड इज पर्स्ड ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री 20 मीटर हाई एंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। ठीक है, तो एक बर्ड है 20 मीटर ऊंचे ट्री पे, ये आपका ट्री, उसकी हाइट 20 मीटर, यहाँ पे बर्ड है। आगे क्वेश्चन में दे रखा है एंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। एक पॉइंट है ग्राउंड पे जहां से बर्ड का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्रीज, और द बर्ड फ्लाइज ऑफ हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड इन 1 second द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड रिड्यूसेस टू 35 डिग्री, फाइंड द स्पीड ऑफ द बर्ड। ठीक है, यहां जो बर्ड था वो हॉरिजॉन्टली यहां से आगे बढ़ता है और आफ्टर 1 second उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इस वाले पॉइंट का वो हो जाता है 35 डिग्री। ये आपको इतना क्वेश्चन में दे रखा है, आगे फाइंड करना है स्पीड बर्ड की, बर्ड की स्पीड फाइंड करनी है कि स्पीड से आगे बढ़ रही है। चलो डायग्राम को पहले कंप्लीट कर देते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींचो और इसको आगे बढ़ा दो, ये यहाँ पर मीट हो जाएगी। फिगर को नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई, जैसा कि सामने सामने फिगर से ही दिख रहा है ए डी इज इक्वल टू बी सी, बी सी की लेंथ आपकी हो जाएगी 20 मीटर। आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है स्पीड, पिछली बार जो आपको स्पीड फाइंड करनी थी वो था क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 क्वेश्चन बाद आपका वापस स्पीड पे आए। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम तो अपने पास है अभी 1 second, कि 1 second में उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस उसने 1 second में कवर करी, ये डिस्टेंस नहीं है अपने पास डी सी, तो क्वेश्चन में फाइंड करना है अपने को डी सी, फिर स्पीड फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं, ईजी है डी सी फाइंड करना, पहले अपन डी ई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ए डी ई। तो ट्राइंगल ए डी ई में अगर मैं लगाऊं 10 angle AED, 10 angle AED ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल, AD अपॉन DE के इक्वल, तो 10 angle AED की जगह आ जाएगा 45 डिग्री, 10 45 डिग्री, AD की लेंथ है आपके पास 20 मीटर, हाइट ऑफ द ट्री इज 20 मीटर, और DE होगा 10 45 की वैल्यू 1 equals 20 upon DE, DE आपका यहाँ पे शिफ्ट करो तो DE की लेंथ आ जाएगी 20 मीटर, DE की लेंथ आ गई, अपन DC की भी लेंथ इसी निकाल सकते हैं। अब बड़े वाले ट्राइंगल पे आते हैं, ट्राइंगल BEC पे, ट्राइंगल BEC, ट्राइंगल BEC कुछ ऐसा बन रहा है, यहाँ पे बीच में पॉइंट है D, ऐसा उसका नाम है EDCB, DE की लेंथ है 20 मीटर, DC फाइंड करना है, तो BC तो इक्वल ही है अपना 20 मीटर के। स्टार्ट करते हैं, अरे ये मैंने DE लिख दिया,
यहाँ आएगा 20 मीटर। स्टार्ट करते हैं इस वाले फिगर में, तो 10 वापस लगाऊँ मैं 10 एंगल। एक और चीज़, ये वाला एंगल जो है ये 35 डिग्री हो गया, तो 10 एंगल BEC 10 एंगल BEC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर BC, बेस है EC, BC अपॉन EC, एंगल BEC की जगह आ जाएगा 35 डिग्री, 10 35 डिग्री, BC की जगह 20, और EC दो सेगमेंट से बन के मिलके बन रही है, दोनों का सम हो जाएगा EC, ED प्लस DC, 10 35 की डिग्री, 10 35 डिग्री की वैल्यू मैं फाइंड कर चुका हूँ, जाके आप पीछे से देख लो, इसकी वैल्यू 0.7 होती है, एक बार और चेक कर लेते हैं। हाँ ये है 0.7 इक्वल्स 20, ईडी भी अपनी 20 आ गई है यहाँ पे, प्लस डीसी, अब यहाँ से डीसी इजीली फाइंड हो जाएगी, 20 प्लस डीसी को दूसरी साइड में जो यहाँ हो गया 20 अपॉन 0.7, इसको अपन कर देते हैं डिवाइड 20 अपॉन 0.7, तो ये आएगा आपका 28.57, 20 प्लस डीसी आ गया आपका 28.57 के इक्वल, डीसी की लेंथ 28 माइनस 57 माइनस 20, 20 को दूसरी साइड भेजोगे तो डीसी की लेंथ आपकी आ जाएगी 8.57। चलो तो डिस्टेंस आ गई है, टाइम तो पहले ही अपने पास, इजीली स्पीड निकाल सकते हैं, आपकी स्पीड हो जाएगी, वापस फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड में डिस्टेंस है आपकी, उसने 8.57 मीटर कवर करा 1 सेकंड के ड्यूरेशन पे, तो इस डिस्टेंस की आ जाएगी 8.57, टी में आ जाएगा 1, आपकी स्पीड आएगी 8.57, इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व हो गया, लिख लो इतना, कुछ भी डाउट हो आपके इस क्वेश्चन में तो कमेंट में डाल देना, इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 12 मीटर हाई वॉल फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए ट्री आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। चलो ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। तो आपके पास एक वॉल है जिसकी हाइट है 12 मीटर, एक ट्री भी है, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, उन्होंने एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन भी दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑब्वियस सी बात है टॉप से ही देगा वो, कॉमन सेंस है लगा लेना थोड़ा सा, एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम से ही देगा वो, ऐसा कुछ फिगर बन रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसका 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन है बॉटम से 30 डिग्री, क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द ट्री एंड द डिस्टेंस ऑफ द ट्री फ्रॉम द वॉल, ठीक है, तो ये हाइट निकालनी है और डिस्टेंस फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं, यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ विच इज परपेंडिकुलर टू ट्री, फिगर को नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल्स एंगल ऑफ एलिवेशन, अभी तक तो याद भी हो गया होगा आपको, यहाँ से ए बी डी, एंगल ए बी डी आपका इक्वल होगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका ये वाला पॉइंट हो जाएगा, एंगल बी डी सी दोनों का मेजर है 60 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं, इस वाले फिगर में आते हैं, इस वाले फिगर में ना ई एफ निकालनी है आपको, ई एफ इज द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द पिलर, शायद द पिलर ही है ना, क्या है, सॉरी, ई एफ इज द डिस्टेंस बिटवीन द ट्री एंड द वॉल, ठीक है, तो इस वाले फिगर में से आपकी ई एफ तो इजीली निकल जाएगी। अपन आते हैं ट्रायंगल डी ई एफ में, ट्रायंगल डी ई एफ में लेंगे ये वाला 10 एंगल डी एफ ई, 10 एंगल डी एफ ई आपको होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, परपेंडिकुलर डी ई बेस ई एफ, डी ई बेस ई एफ, एंगल डी ई एफ की जगह आ जाएगा 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री equals DE की जगह 12 upon EF, 10 30 डिग्री, यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, तो 1 upon root 3 होता है ये, 12 upon EF,
EF की लेंथ आपकी आ जाएगी 12 टाइम्स रूट 3। रूट 3 की वैल्यू पुट कर देते हैं 12 टाइम्स 1.73 और उसको कैलकुलेट क्या आएगी आपकी EF, तो आपकी EF आएगी 12 टाइम्स 1.73 इक्वल्स 20.76। चलो तो एक पार्ट तो सॉल्व हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द ट्री आ गई आपकी 20.76। अब आपको निकालनी है हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री, ये जो ट्री की हाइट है इस वाले पॉइंट पे दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई है, CF और DE। फिगर से सीधा सीधा दिख रहा है कि CF is equal to DE because this figure DCEF FE is a rectangle and opposite sides are equal in rectangle. Here CF is equal to 12 meter. The only thing we have to find is BC. BC find करना है, वो अपन find कर लेंगे triangle BCD में से। आगे यहाँ continue कर रहा हूँ मैं, तो triangle BCD इसमें अपन लेते हैं 10 angle BDC equals perpendicular BC upon base DC. Angle BDC की जगह 60 degree आ जाएगा, first line में equal बता दिया था इनको, तो 10 60 degree equals BC find करना है और figure से दिखी रहा है कि DC is equal to EF, तो DC इसकी जगह EF की length put कर रहा हूँ मैं 12 meter, sorry EF की length क्या है अपनी 20.76, यहाँ put कर रहा हूँ 20.76। 1060 degree की value root 3 equals BC upon 20.76, 20.76 को इस side shift करो, ये हो जाएगा root 3 times 20.76 equals BC, root 3 की value 1.73 equals 20.76 equals BC। करो इसका product, इसका product आपका आ रहा है 35.9148 equals BC। इसे दो decimal places तक ही लेते हैं 35.91। BC की length आ गई, CF की length आ गई, अब इसी की find कर सकते हैं इसको। हाइट ऑफ द ट्री BF आपका होगा BC प्लस CF, BC की जगह आएगा 35.91 और CF की जगह आएगा 12, आपका आंसर 47.91 मीटर। यहाँ से आपकी हाइट ऑफ द ट्री आ गई 47.91, डिस्टेंस पहले ही फाइंड कर ली थी 20.76 मीटर। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ सॉल्व लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आ जाते हैं, इसका ये वाला पार्ट है, टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 40 मीटर वाइड। ठीक है, तो एक रोड है आपका 40 मीटर वाइड, रोड के दोनों साइड पे एक पिलर है, दो पिलर्स हैं जिनकी हाइट्स सेम है, क्वेश्चन में ये रखा है। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स, तो एक पॉइंट दे रखा है आपको रोड के बीच में जहां से दोनों पिलर्स का एंगल ऑफ एलिवेशन, एक का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, दूसरे का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। क्वेश्चन में है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड, वो पॉइंट कहाँ है वो फाइंड करना है एंड द हाइट ऑफ ईच पिलर। ठीक है, और पिलर्स की हाइट फाइंड करनी है, तो मैं रैंडमली कहीं पे पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पे आप भी ले सकते हो, यहाँ पे लेना है। अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूँ एक पिलर से और दूसरे टॉप दूसरा पिलर के टॉप से, तो ये एक का एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 60 डिग्री, दूसरे का एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 30 डिग्री। आपको फाइंड करनी है इस पॉइंट की पोजीशन और हाइट ऑफ द पिलर्स। ठीक है, फिगर को नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। तो मैं यहाँ पे सी डी को, सी डी जो है उसको सपोज कर रहा हूँ एक्स मीटर्स, सी डी इक्वल्स एक्स मीटर्स, और हाइट ऑफ द टावर जो है आपकी उसको ले रहा हूं मैं वाई मीटर्स, और दोनों हाइट इक्वल ही है तो ED इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू वाई मीटर्स। चलो CD आपका x मीटर हो जाए, हो गया, तो BC की लेंथ आप निकाल सकते हो, ये है x मीटर। BC की लेंथ कैसे निकालनी है, यहाँ देखो ये होगा BC प्लस CD इक्वल BD, BC
प्लस एक्स इक्वल्स बी डी की लेंथ 40, तो आपकी बी सी की लेंथ अब हो जाएगी 40 माइनस एक्स, ये एक्स तो ये 40 माइनस एक्स, और ई डी को वाई, ए बी भी वाई। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में ट्राइंगल ए बी सी लेके। तो ट्राइंगल ए बी सी में 10 एंगल ए सी बी ले, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल, ए बी अपॉन बी सी के इक्वल। 10 एंगल ए सी बी की जगह आ जाएगा 60 डिग्री, ए बी है आपकी वाई, बी सी है 40 माइनस एक्स। चलो इसको यहीं पे रहने दो, इसको यहीं पे नहीं रहने देते और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 10 60 डिग्री के की जगह रूट 3 इक्वल्स वाई अपॉन 40 माइनस एक्स। तो करना ये है कि पूरी इक्वेशन को वाई के फॉर्म में ले आना है, 40 माइनस एक्स को दूसरी साइड भेजो, आपका आ जाएगा 40 माइनस एक्स रूट 3 इक्वल्स वाई, वाई की वैल्यू आ गई ये फर्स्ट वाले ट्राइंगल से। सिमिलरली सेकेंड वाले ट्राइंगल से एक और बार वाई की वैल्यू निकाल देते हैं ट्राइंगल ई डी सी में से। ट्राइंगल ई डी सी में 10 एंगल ई सी डी, ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल, ई डी अपॉन सी डी के इक्वल। चलो अब एंगल ई सी डी की जगह आ जाएगा 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इक्वल्स ई डी की जगह वाई और सी डी की जगह, सी डी सपोज कर दिया था एक्स, 10 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 इक्वल्स वाई अपॉन एक्स, एक्स को दूसरी साइड भेजो, ये हुआ एक्स अपॉन रूट 3 इक्वल्स वाई। तो दोनों को वाई के फॉर्म में कहीं के लिए लाए क्योंकि अब ये दोनों भी इक्वल हो सकते हैं अपने, आई इक्वल टू वाई इक्वल टू वाई, और वाई की दो वैल्यू आ गई वो भी इक्वल होगी। चलो पहली ये वाली इक्वल 40 माइनस एक्स टाइम्स रूट 3 इक्वल्स 1 अपॉन रूट 3 एक्स अपॉन रूट 3, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो पोजिशन ऑफ द पॉइंट अपन निकाल लेंगे। रूट 3 को दूसरी साइड शिफ्ट करो, ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स रूट 3 रूट 3 3, ये मल्टीप्लाई होने पे 3 हो जाएंगे इक्वल्स एक्स। अब 3 अंदर मल्टीप्लाई करा, 3 टाइम्स 40 120, 3 टाइम्स माइनस एक्स माइनस 3x इक्वल्स एक्स, माइनस 3x दूसरी साइड भेजो तो 120 इक्वल्स 3x प्लस एक्स, माइनस 3x का साइन प्लस हो जाएगा, 120 इक्वल्स 4x, x की वैल्यू होगी 120 अपॉन 4 30 मीटर। चलो तो सी डी आ गया आपका 30 मीटर। कैलकुलेट करने पे अगर यहाँ पे आप 30 पुट करोगे बी सी यहाँ पे एक्स की जगह तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। ठीक है, ये है आपका सी डी और बी सी है आपका 10 मीटर। तो आप ये तो फाइंड कर ही ली सी जो आपकी पोजीशन थी, क्या है पोजीशन में आप क्या लिखोगे, 10 मीटर एंड 30 मीटर फ्रॉम द पिलर्स, एक पिलर से 10 मीटर की दूरी पर है, दूसरे पिलर से 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे इसका ए वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया, बी वाले पार्ट पे आते हैं, इसमें आपको फाइंड करना था हाइट ऑफ द टावर। चलो हाइट ऑफ द टावर इजीली फाइंड हो सकती है, अपन अब यूज करने वाले हैं ये, एक्स की जगह पुट करो 30 अपॉन रूट 3 इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी रूट 3 की वैल्यू 1.73, कैलकुलेट करो इसको 30 अपॉन 1.73 क्या आएगा, ये 30 अपॉन 1.73 ये आपका आएगा 17.34 मीटर। यहाँ पे आपकी हाइट ऑफ द पिलर्स आ गई 17.34 मीटर, जो एक पॉइंट था रोड के बीच में उसकी पोजीशन आ गई 10 मीटर 30 मीटर फ्रॉम द टू पिलर्स। क्वेश्चन नंबर 22 का ये वाला पार्ट यहाँ सॉल्व लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का बी वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। बी वाला पार्ट है आपका लैडर रेस्ट अगेंस्ट ए हाउस ऑन वन साइड ऑफ ए स्ट्रीट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर इज 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको दे रखा है क्वेश्चन में एक स्ट्रीट है, एक साइड पे एक घर है, इस घर के अगेंस्ट एक लैडर रेस्ट करती है, ठीक है सीढ़ी रखी हुई है, और लैडर का एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का 60 डिग्री है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है ये। आगे बढ़ते हैं, द लैडर इज टर्नड ओवर टू रेस्ट अगेंस्ट ए हाउस ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। अभी लैडर की पोजीशन चेंज कर दी, एक दूसरा घर यहाँ पे है, लैडर की पोजीशन चेंज करके
ऐसे कर दी उसको दूसरी साइड पे, दूसरे घर की ओर। आगे on the other side of the street and the elevation now becomes 42 degree 50 minutes. तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बन जाता है 42 डिग्री 50 मिनट्स। इफ द लैडर इज 40 मीटर लॉन्ग, लैडर की लेंथ भी दे दी है आपको 40 मीटर्स। क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है ब्रेथ ऑफ द स्ट्रीट, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है स्ट्रीट की, ब्रेथ फाइंड करनी है आपको। स्टार्ट करते हैं, अपन पहले फिगर को नाम दे देते हैं इस वाले पॉइंट को ए बी सी डी ई। तो ट्राइंगल ए बी सी से, ट्राइंगल ए बी सी से अपन बी सी की लेंथ निकाल सकते हैं। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाए, मैं यहाँ लगा रहा हूँ सेक लगा रहा हूँ, सेक 60 डिग्री। इसकी वैल्यू इजीली मालूम पड़ जाएगी सेक 60 डिग्री की, इसलिए लगा रहा हूँ मैं। तो सेक एंगल ए सी बी इक्वल्स आपका है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस के इक्वल होती है, ये है आपकी ए सी और बेस है आपकी बी सी। एंगल ए सी बी की जगह आ जाएगा 60 डिग्री, ए सी की लेंथ है 40 और बी सी फाइंड करनी है। यहाँ से बी सी आएगी, फिर दूसरे वाले ट्राइंगल से सी डी आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो ब्रेथ ऑफ द स्ट्रीट आ जाएगी आपकी। चलो तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2 इक्वल्स 40 अपॉन बी सी। BC को दूसरी साइड शिफ्ट करो, 2 को यहाँ लगाओ, ये हुआ 40 अपॉन 2, BC आपकी आ जाएगी 20 मीटर। अब अपन सिमिलरली CD फाइंड कर लेते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल से, ट्रायंगल CDE से। तो ट्रायंगल CDE में अब मैं cos ही ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस वाले ट्रायंगल में sec इसलिए ले लिया था क्योंकि 60 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल्स में आता है, आपको टेबल में इसकी वैल्यू दे रखी थी इसलिए sec ले लिया था। 42 डिग्री 50 मिनट्स की वैल्यू तो दे ही नहीं रखी, इसलिए इस बार cos ही ले लेते हैं। तो cos एंगल ECD equals बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस CD अपॉन CE। तो cos एंगल ECD की जगह आ जाएगा 42 डिग्री 50 मिनट्स, CD फाइंड करनी है और CE आपका हो जाएगा 40। cos 42 डिग्री 50 मिनट्स की वैल्यू आप पीछे टेबल से निकाल सकते हो, मैं इसे कैलकुलेट कर रहा हूं यहां। तो cos 42 डिग्री 60 मिनट्स की वैल्यू आपकी आएगी 0.73 इक्वल्स CD अपॉन 40। 40 को दूसरी साइड शिफ्ट करो तो 0.73 टाइम्स 40 इक्वल्स CD। CD की आपकी लेंथ आ जाएगी, कर दो ये प्रोडक्ट, 0.73 टाइम्स 40 या आएगा 29.2। तो क्वेश्चन में आपको ब्रेथ ऑफ द स्ट्रीट फाइंड करनी है, मतलब BC प्लस CD, BC प्लस CD कर दो, BC की लेंथ 20, CD 29.2, आपकी ब्रेथ ऑफ द स्ट्रीट आ जाएगी 49.2 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट बी, और क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पूरा सॉल्व हो गया। अब इस चैप्टर के लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, लिख लो इतना। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर्स अबव द लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 45 डिग्री, ठीक है। तो आपको एक लेक दे रखी है, उसके ऊपर कोई पॉइंट है h मीटर्स पे, उसकी हाइट है h मीटर्स। अब यहां पे कहीं एक क्लाउड है, क्लाउड को मैं इस पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं h, ये जो पॉइंट है और इस क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो है 30 डिग्रीज, अभी तक ये दे रखा है। अब आगे है कि इस क्लाउड की जहां रिफ्लेक्शन बनेगी ना लेक में, सपोज करो वो यहां बन रही है, तो इस वाले पॉइंट से इस रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वो है 45 डिग्री, इतना आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अब आगे, इफ द हाइट ऑफ द क्लाउड बी 200 मीटर, जो क्लाउड की हाइट है लेक से वो है 200 मीटर,
फाइंड करना है आपको फाइंड एच। स्टार्ट करते हैं, फिगर को थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। इसको यहाँ पर ले आओ और नाम भी दे दो, ए बी सी डी ई और इस पॉइंट को एफ। चलो तो आपको फाइंड करना है एच मीटर्स। अपन आते हैं पहले बड़े वाले ट्रायंगल पे, ट्रायंगल ई सी एफ पे। इस वाले ट्रायंगल में अपन 10 ही लगाने वाले हैं, तो 10 एंगल सी ई एफ इक्वल्स परपेंडिकुलर ये वाली साइड सी एफ और बेस आपकी ई सी। एंगल सी एफ की जगह आ जाएगा 45 डिग्री, दे रखा है ये सी एफ। हाँ, सी एफ की लेंथ अपन निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे? तो आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा कि अगर ये आपका एक मिरर है और कोई यहाँ सामने खड़ा हुआ है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में की जो डिस्टेंस होगी और इस ऑब्जेक्ट की जो बाद में रिफ्लेक्शन बनेगी, यहाँ पे मिरर और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और मिरर और इस रिफ्लेक्टेड वाले पॉइंट की डिस्टेंस, ये हमेशा इक्वल होती है। अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा, ठीक है। अब बस अपने क्वेश्चन में फर्क इतना है कि मिरर की जगह लेक है और ऑब्जेक्ट अपना क्लाउड है। तो अभी अपनी ये वाली डिस्टेंस DB जो है लेक से लेके क्लाउड तक, ये लेक से लेके उसके रिफ्लेक्टेड वाले पॉइंट के इक्वल हो जाएगी। DB इज इक्वल टू BF, इन दोनों की लेंथ आ गई 200 मीटर। क्वेश्चन में अपने चाहिए CF की लेंथ। CF आपका दो लाइन सेगमेंट से मिलके बन रहा है BF प्लस CB। इसको हटा रहा हूँ पहले मैं। तो BF की जगह आ जाएगा आपका 200 और CB डायग्राम से ही दिख रहा है EA और CB इक्वल है, तो CB की जगह आ जाएगा H। तो CF की वैल्यू आपकी आ गई 200 प्लस H। EC की रहेगा 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 200 प्लस H अपॉन EC। EC को दूसरी साइड ले जाओ, ये हुआ EC टाइम्स 200 प्लस एच। इसको नाम दे देते हैं अपन इक्वेशन 1, इसका बाद में काम पड़ेगा। अब अपन आते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल पे, ट्रायंगल DCE। ट्रायंगल DCE में लेने वाले अपन 10 एंगल DEC, तो 10 एंगल DEC परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल DC अपॉन CE के इक्वल, तो 10 एंगल DEC की जगह आ जाएगा 10 30 डिग्री। और हाँ, DC की वैल्यू भी अपन फाइंड कर सकते हैं। आप देखो DB की लेंथ आपको दे रखी है 200 मीटर, इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसकी जगह लिख रहा हूँ मैं DB इज इक्वल टू 200 मीटर, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब DB भी दो लाइन सेगमेंट से मिलके बन रही है DC प्लस CB, तो DC प्लस CB इक्वल्स 200 मीटर। CB ये तो H है, तो DC प्लस H इक्वल्स 200 मीटर। DC की आपकी लेंथ आ जाएगी 200 माइनस H, ये वैल्यू आ गई, इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर देना है, तो 200 माइनस H अपॉन CE। CE की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे 10 30 डिग्री, सॉरी CE की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स 200 माइनस H अपॉन CE। फिर से इस वाली इक्वेशन को CE के पूरे फॉर्म में आ जाएगा, तो CE यहाँ शिफ्ट हुआ, √3 वहाँ गया, तो √3 टाइम्स 200 माइनस H। इसको नाम दे दो आप इक्वेशन 2। जैसा कि जैसा दिख ही रहा है CE के इक्वल इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के इक्वल, तो ये दोनों साइड भी आपकी इक्वल हो जाएगी, 200 प्लस H इज इक्वल टू √3 टाइम्स 200 माइनस H। ये आ गया पूरा H के फॉर्म में, इसको सॉल्व कर लेंगे आपकी H की वैल्यू आ जाएगी, तो 200 प्लस H ये तो 200 प्लस H ही रहेगा, √3 की वैल्यू 1.73 टाइम्स 200 माइनस H। 200 प्लस H इक्वल्स 1.73 टाइम्स 200 ये आपका होगा 346 माइनस 1.73 H। इसको इस साइड शिफ्ट कर दो, ये हुआ 1.73 H प्लस H, 200 को यहाँ भेजो, 346 माइनस 200, 1.73 H प्लस H ये हुआ 2.73 H इक्वल्स 146।
एच की वैल्यू अब इजीली आ जाएगी, तो एच होगा आपका 146 अपॉन 2.73। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 146 डिवाइडेड बाय 2.73, 146 डिवाइडेड बाय 2.73 ये आपका आएगा 53.47 मीटर्स। तो एच की वैल्यू आ गई आपकी 53.47 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ सॉल्व हो गया, इसी के साथ अपना चैप्टर भी खत्म। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के हाइट्स एंड डिस्टेंसेस या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो इसके पहले वाला चैप्टर था उस पर और वीडियोस देखनी है तो मैंने सारी की सारी वीडियोस की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और यहाँ पे प्लेलिस्ट भी आ जाएगी, उस पर क्लिक करो आप सीधा प्लेलिस्ट खुल जाएगी। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो कमेंट में डाल दो या फिर चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज दो। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म, लिख लो इतना।